हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो आज का ये ब्लॉग होने वाला है पहाड़ी चटनी का, जो कि स्टार्ट करते हैं हम आज सुबह से। दिखाएंगे आपको हम पहाड़ी चटनी कैसे बनाते हैं और इस ब्लॉग में आपको दिखाई देगा किस प्रकार से हम चटनी बनाते हैं और क्या क्या उसमें डालते हैं। तो दोस्तों चलो ले चलता हूँ मैं आपको। आज चटनी का सामग्री पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जो है चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए हम जो है अपने खेत से पहले हरी मिर्च तोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से। और यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी चटनी होगी है। इसमें हम यूज़ करेंगे अपने घर के मसाले, बिल्कुल भी बाहर की कोई चीज़ हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और आप लोगों को टेस्ट तक मैं पूरा दिखाऊंगा कैसे। और दोस्तों जो ये मिर्च है ये काफ़ी तेज़ है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ मिर्च है। तो कुछ इस प्रकार से हमने तोड़ ली है मिर्च, लाल मिर्च और ये हरी मिर्च। अब ले चलता हूँ मैं आपको जो पुदीना है, पुदीना के लिए थोड़ा सा हम पुदीना लाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो है कल के ब्लॉक में आपने देखा वही चालू है काम, तो ब्लॉक में बने रहिए, चलते हैं पुदीना के लिए। आपको मैं एक आइडिया और दे दूं कि आज की जो ये चटनी और पुदीना जो है हमारे घर में नहीं है, तो सामने एक भाई साहब है उनका पुदीना लेंगे। ये है पुदीना की पत्तियाँ, हरी हरी पत्तियाँ, और इन्हीं से बनाएंगे हम आज की चटनी में यूज होंगे। काफ़ी टेस्ट आता है इसका। और पुदीना हमारे इधर नॉर्मल तौर से मिल जाता है आसानी से और बरसात में तो काफ़ी ज़्यादा पैदावार होती है इसकी। हालांकि ज़्यादा झाड़ियाँ होने के कारण जो नीचे का है पुदीना वो जो है बर्बाद भी हो जाता है, लेकिन गांव में लोगों ने पर्सनल लगाया होता है। और इसकी एक विशेषता और बता दूं मैं, इसको आप जितना ज़्यादा इसकी हार्वेस्टिंग करोगे उतना ज़्यादा ये फैलता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बंदर जो है यहाँ से भागाता हुआ, इस प्रकार से ये पुदीना हमने तोड़ लिया है। और दोस्तों जो चटनी के लिए तीसरा आइटम है उसी के लिए हम जा रहे हैं, इसमें लाएंगे। तीसरा आइटम जो है चटनी के लिए वो आएगा पहाड़ी टमाटर। साइज के मामले में काफ़ी छोटा होता है लेकिन टेस्ट उसका उतना ही अच्छा आता है। और ये भी हमारा नहीं है, किसी दूसरे का टमाटर का पेड़ है, लेकिन यहाँ से कोई भी उठा के खा सकता है। आदि इसको पकड़ो। ये देखिए छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं। आदि उसको मत तोड़, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने ये टमाटर तोड़ दिए हैं, छोटे छोटे कच्चे टमाटर है लेकिन चटनी के लिए काफ़ी यूज होते हैं। और यकीन मानिए काफ़ी टेस्ट होता है इनका और स्वाद के मामले में तो क्या ही बोले दोस्तों, काफ़ी अच्छा और टेस्टी चटनी की उम्मीद करता हूँ मैं बनेगी। अब इसका प्रोसेस मैं थोड़ा आपको धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगा। तो कुछ इस प्रकार से मटेरियल हमने जमा कर दिया है, टमाटर और ये मिर्च और पुदीना, और खाली इन्हीं तीन चीज़ों का आइटम का हम आज चटनी बनाएंगे, जो कि आपको भी दिखाऊंगा मैं कैसी होती है। हालांकि इसमें हम बहुत चीज़ें डाल सकते हैं लेकिन वो बहुत चीज़ें इसका आजकल उपलब्ध नहीं है हमारे इधर पहाड़ों में। तो चलो इन्हीं चीज़ का चटनी का टेस्ट लेते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे बनती है। सबसे पहले हम इनको अच्छी तरीके से साफ कर देंगे और उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। तो
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मटेरियल हमने जमा कर दिया है, इसमें हमने सब अच्छी तरीके से साफ कर लिए हैं और इनको जो है इसमें नमक और हल्दी थोड़ा डाल दिया है, थोड़ा जीरे का मसाला हमने यूज़ किया है। तो ये है मटेरियल जिसका हम अभी चटनी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी चटनी हो गई रेडी कुछ इस प्रकार से, और काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा मिक्सर का भी, आप देख सकते हो। और यकीन मानिए हमने टेस्ट करके भी देख लिया है, काफ़ी स्वादिष्ट बनी है। यह है पहाड़ी चटनी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट। आई होप आपको ये आज का ये चटनी ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ये एक नंबर चटनी आप भी ट्राई करो, काश कि मैं आप लोगों तक ये भेज सकता। ये यकीनन काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी यमी बनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।